हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द पार्ट टू ऑफ एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ योर एग्जांपल नंबर 4। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, सबसे पहले वहां से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स कॉमा वाई, ये आ गया पॉइंट एक्स कॉमा वाई, इक्विडिस्टेंट है बेटा 1.7:1 से, एंड दूसरा पॉइंट होगा 3:5। ओके, सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी, दिस इज सी। सबसे पहले यहाँ पे वर्ड है इक्विडिस्टेंट, ई क्यू यू आई डी ए आई एस टी एन टी, इक्विडिस्टेंट। इक्वी बचे वर्ड किससे बना है, इक्वल से। डिस्टेंट मीन क्योंकि डिस्टेंस पढ़ रहे हैं तो इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस का मतलब है कि जो डिस्टेंस ए बी का होगा वही डिस्टेंस ए सी का भी होगा, ये बात फॉलो की आपने। ओके, तो देयर फोर ए बी इक्वल टू ए सी, दिस इज गिवन। ओके, नाउ कोऑर्डिनेट निकालने की बात करें तो कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला ए बी में क्या आएगा, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फर्स्ट में बचे x1 रहेगा x, y1 रहेगा y, ये फिक्स्ड है। यहां पे ये बनेगा x2, ये बनेगा y2, सेम ये x2 और y2 AC के लिए। तो फर्स्ट स्टेप ए बी के लिए x2 को काम कौन कर रहा है, 7 माइनस x का स्क्वायर, तो 7 माइनस x का स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x2 क्या आ गया 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप बचे, दोनों तरफ रूट है तो स्टेप लगाएंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर एंड रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो अंडर रूट के अंदर रहेगा 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर, सिमिलरली 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर एंड रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, सो वी आर लेफ्ट विथ, सो वी आर लेफ्ट विथ दिस थिंग। नाउ ए माइनस बी का स्क्वायर बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहां ये बन जाएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस x का स्क्वायर माइनस 7 टू ऑफ 49x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y, यस और नो। सिमिलरली यहां पे 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर 3 टू ऑफ 6x प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 10y, यस आर नो। सो नेक्स्ट स्टेप, x स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड का x स्क्वायर राइट हैंड साइड का कैंसिल, y स्क्वायर राइट हैंड साइड का y स्क्वायर राइट हैंड, सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में y स्क्वायर कैंसिल। सो हियर वी आर लेफ्ट विद 49 एंड 150 माइनस 14x माइनस 2y, सिमिलरली
9 एंड 25 इज 34 माइनस 6x माइनस 10y ओके इन द नेक्स्ट स्टेप आई कैन राइट इट 50 माइनस 34 माइनस 14x ये जो माइनस 6x है यहाँ के लेफ्ट हैंड साइड में आके प्लस हो गया माइनस 2y और ये माइनस 10y यहाँ के प्लस 10y इक्वल्स टू 0 50 माइनस 34 इज 16 माइनस 14 प्लस 6 माइनस प्लस माइनस माइनस 8x प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा और 10 में से 2 गया तो 8y इक्वल टू 0 टेकिंग 8 एज कॉमन तो क्या बचेगा अंदर 2 माइनस 6 प्लस y इज इक्वल टू 0 सो यहां से 2 माइनस x प्लस y 0 बाय 8 और 0 बाय 8 क्या होता है 0 एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज 0 नेक्स्ट स्टेप 2 प्लस y माइनस x इक्वल्स टू 0 सो ये बन गया 2 प्लस y माइनस x जो है राइट हैंड साइड जाके हो गया x तो x और y में रिलेशन क्या है x माइनस y इक्वल टू 2 सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन या आंसर जो है आपका एग्जांपल नंबर 4 का सो ये रहा प्रूफ एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ जहां से हमने स्टार्ट किया क्वेश्चन था फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सो दैट द पॉइंट एक्स कॉम वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस तो ये एग्जाम में आ सकती है एग्जाम्पल मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि एग्जाम में आ जाए तो मैंने एक एक स्टेप आपको जो है यहाँ पे करके बताया चले नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 सो एग्जाम्पल नंबर 5 इज फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस बेटा पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे इसका मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 ये कंसेप्ट है आपके लिए जब भी वाई एक्सिस पे हो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा जब भी एक्स एक्सिस पे हो तो वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा ओके सो एग्जाम्पल नंबर 5 फाइंड ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट दे दिया बच्चे यहां पे 4,6 एंड बी पॉइंट जो है वो है -4,3 और जो पॉइंट होगा उसको हम कैसे लिखेंगे सिंस पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ इसको पी लिख लो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर वाई एक्सिस पे तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा तो 0,y इक्विडिस्टेंट है इक्विडिस्टेंट का मतलब बच्चा एपी किसके बराबर होगा बीपी के फॉर्मूला अंडर रूट 4 माइनस 0 का स्क्वायर 6 माइनस वाई का स्क्वायर अंडर रूट माइनस 4 माइनस 0 का स्क्वायर एंड 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप स्क्वेयरिंग बोथ साइड तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बेटा कैंसिल हम बचेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर अगेन यहां पे रूट कैंसिल हो रहा है सो दिस इज इक्वल टू माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे भी 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y 16 3 का स्क्वायर 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 टू जो 6y 16 एंड 16 कैंसिल वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर कैंसिल तो 36 यहाँ से प्लस 9 यहाँ के माइनस हो गया एंड माइनस 6y ये जो माइनस 12y था यहाँ का प्लस हो गया यहाँ तक कोई दिक्कत
36 में से 9 सेपरेट किए बेटा 27 और ये हो गया आपका 6y। तो यहाँ से y आ जाएगा आपका जो 6 मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ के डिवाइड करेगा 27/6। तो सिंपलीफाई करोगे तो 3 2 6 एंड 3 9 12, तो y हो गया 9/2। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर, क्योंकि y एक्सिस पे था तो x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट होगा 9/2। तो ये था बेटा आपका रिक्वायर्ड प्रूफ एग्जाम्पल नंबर 5 का। ओके हमने आई थिंक पॉइंट लिखा है 4 और -4 3 एंड 6 5 को मैंने 4 6 लिख दिया, इसलिए आंसर वेरिएशन नहीं है, बाकी प्रूफ जो है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो प्रूफ में कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट लिखें क्वेश्चन नंबर 6। एक पार्ट डिस्कस कर सकते हैं इसका। फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों सेम है। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रेटर फॉर्म। तो हमेशा याद रखना स्क्वायर जिसकी चारों साइड्स इक्वल और डायगोनल इक्वल, रेक्टेंगल जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल हो, चारों साइड्स अपोजिट इक्वल है बट डायगोनल इक्वल नहीं तो रोम्बस रहेगा, एंड सो ऑन। चलिए इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। सो ए आ गया 4, 5, बी आ गया 7, 6, सी आ गया 4, 3 एंड डी आ गया 1, 2। चलिए बेटा इसके डायग्राम देख लेते हैं। मुझे नहीं पता क्या है, दिस इज अ रफ स्केच, एक बार थोड़ा सा क्लियर बना लेते हैं इसको। दिस इज अ रिक्वायर्ड फिगर ए बी सी एंड डी। 4, 5, 7, 6, 4, 3 एंड 1, 2। चलिए थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। तो डिस्टेंस बिटवीन ए डी दैट इज इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1² y2 - y1² दैट इज इक्वल टू अंडर रूट x2 मान लो इसको, y2 हो गया ये x1 y1। ठीक है, तो लिखेंगे नहीं हम क्योंकि ये आगे जाके x1 भी काम करेगा। तो 7 - 4² + 6 - 5² 7 - 4 = 3² 6 - 5 = 1² 3² 9 + 1 दैट इज अंडर रूट 10। सिमिलरली बीसी का निकालेंगे तो बच्चे क्या आएगा, बीसी के लिए आएगा 4 - 7² एंड 3 - 6² 4 - 7 = -3² एंड 3 - 6 = -3² 3² 9 + 3² 9 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 18। तो दिस इज इक्वल टू 3√2 क्योंकि 6 3 = 18 होता है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 9 2 = 18। तो 9 को जब आप ब्रेक करोगे ये आएगा 3√2। तो ये रफ आपके लिए हो गया बेटा। सिमिलरली जब आप सीडी का डिस्टेंस निकालोगे तो सीडी का डिस्टेंस भी क्या आएगा, 4 - 1² एंड 3 - 2² 4 - 1 = 3² एंड 3 - 2 = 1² दैट इज अगेन 9 + 1 दैट इज अंडर रूट 10। देन डीए का डिस्टेंस जो होगा वो भी क्या आएगा, तो दिस इज अगेन 4 - 1 एंड 5 - 2² 4 - 1 = 3² 5 - 2 = 3² तो 3² 9 + 3² 9 एंड दिस इज इक्वल टू 2 × 2 × 9 स्क्वायर रूट के अंदर 9 होता है 3² तो 3√2। सिंस
AB is equal to CD and BC equal to AD. Therefore, क्योंकि opposite sides equal है और opposite sides equal किसकी होती है? Rectangle की या फिर parallelogram की. अब rectangle की जो है condition check करने के लिए एक मैं आपको instruction दे रहा हूँ. आप AC को join करें. अगर यहाँ 90 डिग्री आ गया तो ये रेक्टेंगल होगा, अदरवाइज पैरेललोग्राम होगा. ओके, चलें AC का डिस्टेंस निकाल के देते हैं आपको 4543 है ना. AC में था 45 और 43 पॉइंट, तो बेटा ये क्या होगा 4 माइनस 4 का स्क्वायर एंड 3 माइनस 5 का स्क्वायर. 4 माइनस 4 इज 0 एंड 3 माइनस 5 इज माइनस 2 का स्क्वायर, दैट इज 4 इक्वल्स टू 2. ओके, AC करेगा काम हाइपोटेनस का. AB प्लस BC का स्क्वायर करें, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. राइट एंड 90 डिग्री है तो PGT सेटिस्फाई करनी चाहिए रेक्टेंगल के लिए. AB कितना है बच्चा? ये AB था बेटा, डिस्टेंस AB का ही, इसको ठीक कर ले. दिस इज AB, तो रूट 10 और BC हमारा है 3 रूट, रूट 10 का स्क्वायर प्लस 3 रूट 2 का स्क्वायर. ये आ गया 10, 9 इंटू 2 18, तो 28. दैट इज नॉट इक्वल टू AC का स्क्वायर. देयरफॉर एंगल B जो है वो 90 नहीं है, बट क्योंकि AB जो है वो CD के इक्वल है एंड BC जो है वो AD के इक्वल है, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम. बेटा यहां तक कोई दिक्कत किसी को? तो क्वेश्चन नंबर 6 डन. क्वेश्चन नंबर 6 डन. क्वेश्चन नंबर 7 भी आ हो जाएगा सेम एज योर एग्जांपल नंबर 5. सो मैं यहां पर लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7 सेम एज एग्जांपल नंबर 5, तो आप खुद करेंगे. इन केस नहीं हुआ तो नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले हम आपको इसका जो है प्रूफ दे देंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विद द पॉइंट इज 10 यूनिट्स. ठीक है, यानी कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सीबीएसई चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो प्लस अदर बोर्ड्स में भी ये सवाल मिलेगा. ओके, सो पॉइंट पी इज 2, -3, पॉइंट क्यू इज 10, y. सो डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 10 -2 का स्क्वायर y -3 का स्क्वायर. एंड डिस्टेंस कितना है? 10. 10 -2 इज 8 का स्क्वायर, y +3 का स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस y स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 टू द 6y. दिस इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 इज इक्वल टू 100, क्योंकि स्क्वायर एंड रूट कैंसिल और 10 का स्क्वायर होता है 100. सो नेक्स्ट स्टेप इज y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इक्वल टू 0. सो दिस इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0.
स्प्लिट द मिडिल टर्म। ऐसे क्या नंबर है जिनका सम या डिफरेंस करके 6 आए? तो 9 3 से 27 एंड 9 माइनस 3 इज 6, तो y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 टाइम्स y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप y स्क्वायर प्लस 9 इनटू y 9y प्लस माइनस माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। Taking y as common, this is equal to y plus 9, minus and minus and minus common, 3 and 27 chota 3 and 3 common. We are left with y, kyunki minus 3 into y is minus 3y, and minus plus minus 3 ko kisse multiply karenge, 27 aaye to 9. Ab in dono ko bache common le sakte, dono mein common hai y minus 9. तो y प्लस 9 को जब कॉमन ले लिया तो वी आर लेफ्ट विद दिस y एंड माइनस 3। ये स्टेप पर चला। नेक्स्ट टेकिंग y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो यहां से y आ गया माइनस 9 एंड y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहां से y हो गया 3। सो बेटा तो अब हमारे पास बचे दो क्वेश्चंस, क्वेश्चन 9 है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आपको ट्राई करें, जो ना हो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप वाचिंग, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, सो थैंक यू।